अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मटर के कबाब बनाने की रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिया है आधा कटोरी बेसन, इसको मैंने भून लिया है, एक बड़े कटोरी मटर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने 3-4 काली मिर्ची भी डाली थी, और ये पिसे हुए मसाले, इसमें मैंने लिया 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा नींबू, और ये मेरे सूखे मसाले हैं खड़े हुए जिनको मैं पीसूंगी भूनकर। इसमें मैंने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 4 लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची, 4 इलायची, 1 चम्मच चिरौंजी, और ये है 2 चम्मच घरी का बुरादा और थोड़ी सी जावित्री। चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर के कबाब। देखिए, सबसे पहले इन मटर को एक भगोने में उबाल लेंगे, आधा चम्मच नमक डालकर। एक पैन में हम अपने सारे सूखे मसाले भून लेंगे खड़े वाले, और गैस को बहुत लो रखेंगे क्योंकि गरी है वो जलने लगती है। देखिए, हमारे मसाले भुन चुके हैं, अब हम इन्हें पीस लेंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है, मटर को पूरी तरीके से नहीं गलाना है, बस हल्का गलाना है, हल्का कच्चा रखना है। चलिए हम मटर निकाल लेते हैं। मटर निकाल लिया, अब इस मटरों को मिक्सर में दरदरा दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस आप 1 ही मिनट मिक्सर चलाइएगा, इस तरह से पीस जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे जो आधा नींबू लिया था उसका रस, सारे पिसे हुए मसाले, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। सूखे खड़े मसाले पीसे थे वो भी इसमें डाल देंगे, इसको भी, और डालेंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था और बेसन, उन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के मिलाएंगे। यकीन मानिए, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसको ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसे तलेंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद हम इसे बना लेंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये कबाब, और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। देखिए, मैंने अपने सारे कबाब बना लिए हैं, अब आगे करते हैं। तवे को गरम करेंगे और फैलाकर चम्मच से तेल डालेंगे तवे पर। और एक एक कबाब डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसको धीमी आंच पे करिएगा। ये मेरे एक तरफ से कबाब हो चुके हैं, अब हम इसे पलट देंगे। बड़े आराम से पलटिएगा आप इसे। फिर 1 चम्मच तेल डालेंगे और इनको दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। देखिए, दोनों तरफ से कबाब सिक चुके हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। एक मरतबा अपने घर में मेरे कहने से बना के देखिएगा। खुदा हाफिज़।